एक बार मैं मानसेरे के सफ़र पर था, तो जैसे हमारे यहाँ तलबा हैं, पढ़ते हैं, फिर कोई किसी काम में लगता है, किसी काम में लगता है। तो मेरा एक तालिब इल्म का दोस्त था, वो तबलीग जमात में साल लगा रहा था। हम मानसेरा में इकट्ठे हो गए तो दोस्ताना माहौल में हमारी एक मसले पर गुफ्तगू शुरू हो गई। दोस्ताना माहौल में, यानी मुखालफ नहीं, दोस्ताना तर्ज में बात हुई। तो जब बात उसने शुरू कर दी तो मैंने उससे एक सवाल किया, मुझे आप ये बताएं कि आप जो बात करना चाहते हैं मुझसे, उसूल के साथ या बग़ैर उसूल के? मुझे कहता है उसूल के साथ। मैंने कहा आपकी जमात का नाम क्या है? कहा जी तबलीगी जमात। मैंने कहा मेरी जमात का नाम क्या है? कहा जी आलमी इत्तेहादुल सुन्नत। मैंने कहा आपकी जमात का असूल है कि बहस नहीं करनी, और मेरी जमात का असूल है कि बहस ज़रूर करनी। अगर आपने बहस शुरू कर दी तो आपका असूल टूट जाएगा, मैं चुप हो गया तो मेरा असूल टूट जाएगा, इसलिए मैं बोलता रहूँ और आप सुनते रहो बस। मुझे कहता है फिर फ़ायदा? तो मैंने कहा ना करो। मैंने आपसे कहा बात करो, ना करो, आपको शौक है बात करने का ना। आपने कहा बात भी करनी है, करनी भी उसूल से। तो या उसूल का तकाजा कि तुम चुप हो जाओ और मैं बोलता रहूँ, आप बोल पड़े उसूल टूट जाएगा, मैं चुप हो गया तो मेरा उसूल टूट जाना है, इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ सुने। मुझे कहा तेरी फ़ायदा? मैंने कहा फिर आप साल पूरा कर लें, फिर मरकज़ आना, फिर बैठ के दोस्ताना माहौल में बात कर लेंगे। मैं तो आपके साल को नहीं तोड़ना चाहता, मैं तो साल को पुख्ता करना चाह रहा हूँ। अब मुझे आप बताओ, जो मैं तरतीब बता रहा हूँ, इससे तबलीग का काम कमज़ोर होगा या मज़बूत होगा? जी मज़बूत होगा ना। लोग कहते हैं भी कमज़ोर होगा, मैं तो मज़बूत कर रहा हूँ। भाई जब आप तबलीग में गए तो तबलीग के असूल से चलो। मुझसे एक जमात आई तो एक साथी कहने लगा, हज़रत आपने साल लगाया? मैंने कहा नहीं। तो मुझे कहते आप वो साल लगाना चाहिए? मैंने कहा नहीं लगाना चाहिए। मुझे कहते कि वो साल लगाना जायज़ नहीं? मैंने कहा जायज़ है। मसला साल लगाने न लगाने का नहीं, मसला मेरे लगाने या न लगाने का है। तो मुझसे पूछता जी साल लगाना चाहिए? मैंने कहा था ठीक है। तो कहते जी आपको लगाना चाहिए, अब मसला तो मेरा आ गया ना। मैंने कहा मेरा साल होना जी, इस पर दलील पेश करो। मैं तो फ़ज़ाइल वाला नहीं, मैं तो दलाइल वाला हूँ, हमें तो दलाइल पेश करो। मुझे कहते हैं आप आलमी नबी के वारिस हैं तो आपको पूरे आलम में जाना चाहिए। मैंने कहा वारिस किसी में वो काम है जो मूरस ने किया हो। मेरे मूरस हजूर पाक पूरे आलम के नबी हैं, क्या पूरे आलम में गए हैं? मुझे कहता नहीं। तो मैंने कहा जो मूरस है वो नहीं गए, तो मेरे से भी आलम में जाना कैसे है यार? मैं तो वो काम करूँगा जो मेरे मूरस ने किया है, जिस काम का वारिस वो करूँगा। वो कहते हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों को भेजा। मैंने कहा मेरे शागिर्द ले जाओ इनको साल में। दलील मेरे साल पे जाने की देनी है या मेरे शागिर्दों के जाने पर देनी है? मसला तो मेरा है। चुप हो गए। नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा जाना चाहिए। मैं कब कहता हूँ मसला मेरे जाने का है, इस पर बात करो। जब खामोश होकर बैठ गया ना, मैंने कहा आप सुनो, आपसे गलती क्या हुई है? आप मुझसे कायल क्यों नहीं, मुझे कायल क्यों नहीं कर सके? आपसे गलती क्या हुई है? आपसे गलती हुई है कि आपकी जमात का नाम तबलीगी जमात है, पाकिस्तान में आपके मरकज़ का नाम रायवंड है। आपको चाहिए कि मरकज़ की हिदायत के मुताबिक चलें। मरकज़ की हिदायत ये हैं कि जब उलमा के पास जाओ तो दावत नहीं देनी, कारगुजारी सुनानी है। तूने कारगुजारी छोड़ के दावत दिए तो फंस गया। तू दावत ना देता, कारगुजारी सुनाता तो हो सकता है मेरा भी दिल कर साल बजाने को। कहते नहीं बात तो ऐसी ही है। मैंने कहा इसलिए आइंदा उलमा के पास जाओ तो कारगुजारी सुनानी है, दावत नहीं देनी। अब मुझे ईमान के साथ आप बताओ, मेरी इस गुफ्तगू जो सुनेगा वो तबलीग वाला रायवंड के असूल पर पक्का होगा या कच्चा होगा? तो मैं तो बंदे पक्के कर रहा हूँ, फिर आप क्यों परेशान होते हैं? मैं तो काम उसूल के मुताबिक लाता हूँ। मेरे चार माह पर दलायल हैं, चिल्ले पर दलायल हैं, सरोजे पर दलायल हैं, साल पर दलायल हैं, फ़ज़ाइल सदकात पर एतराज़ का जवाब है, फ़ज़ाइल माल पर का जवाब है, अकाबिर तबलीग पर एतराज़ का जवाब है। मैं कायल न होता तो मैं जवाब क्यों देता? लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर जमात वाला बंदा उसूलों के अंदर रहकर काम करे, इससे झगड़े और फसाद नहीं होते। अब जिसने ये पूरी बात मेरी नहीं सुनी, इतनी सुनी है कि मौलाना ने साल के ख़िलाफ़ ये बात की थी, वो तो प्रोपेगंडा करेगा, ये साल के ख़िलाफ़ है, ये तबलीग के ख़िलाफ़ है। मैं कैसे तबलीग के ख़िलाफ़ हो सकता हूँ भाई? पागलों वाली बात है ये। अब मेरी गुजारिश समझ आ गई आप? बस मैं उस सिर्फ कहता हूँ जो आपको बंदा सवाल करता है ना, ज़रा उसको थोड़ा सा सेट करो। हमारे यहाँ एक बार एक जमात आई,
तो साल मुकम्मल हो गया था या चार माह से मुकम्मल हो गए, ये आज से तकरीबन कोई 13 साल पुरानी बात है। अमीर साहब मेरे पास आए, साथ उनके दो साथी थे, जैसे मिलने के लिए उलमा को जाते हैं, तो मुझे उनने 6 किन्नू के दाने दिए, आधी दर्जन हदिया पेश किया। मैंने हदिया ले लिया। मैंने कहा अमीर साहब मैं एक आपसे गुजारिश करता हूँ, किसी शख्स को हदिया वो दो जिससे वो खुश हो जाए, वो ना दो जिससे वो खुश ना हो। आपने मुझे 6 किन्नू दिए, अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। देखो मेरा पीछे किन्नू का बाग है, तो जिसका किन्नू का बाग उसको 6 किन्नू दे दो, इससे वो नहीं खुश होता। मैं आपके हदिये की कदर करता हूँ, लेकिन मैं आपको बात समझा रहा हूँ, आइंदा किसी आलम के पास जाओ तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर करना है। एक आदमी सियासीता बढ़ाता है और दर्स देता है, माकूल मन उसका किताबी ज़ौक है, अब उसको ऐसी किताब दो जो या ना याब हो, ऐसी किताब जो उसके ज़ौक के मुताबिक हो। आप उसको फ़ज़ाइल माल दोगे, वो खुश नहीं होगा, कबूल कर लेगा, खुश नहीं होगा। ज़ोर की नमाज के लिए मैं मस्जिद में आया, नमाज पढ़ी, तो मुझे कहा तालीम आप करवा दें, मैंने करवा दी। जब तालीम से फारग हुआ तो मुझे अमीर साहब कहते हैं सुरमा डालने का सुन्नत तरीका क्या है, इनको समझाओ, साथियों की ख्वाहिश है कि आप इनको समझाएं। मैंने कहा सुन्नत की 2 किस्में हैं, सुन्नत इबादत और सुन्नत आदत, इस पर तफसीली बात की। फिर सुरमे की अकसाम हैं, उनमें से बेहतर सुरमा इस्मत है, मैंने इसके फ़ज़ाइल बयान किए। फिर मैंने सुरमा डालने के मसनू तरीक़े बयान किए। जब बयान हो गया मैं कमरे में चला गया, मैंने अमीर साहब बुलाया, मैंने कहा अमीर साहब नाराज़ नहीं होना, मेरी बात अच्छी तरह समझो, ये जो सुबह मैंने आपको समझाया था आपने उसका बदला मुझसे ज़ोर के बाद लिया। मुझे अमीर साहब ने कहा अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। मैंने कहा आपके जहन में यह था कि मैंने सुबह आपको तंबीह की है, उस तंबीह का शुक्रिया अदा करने के बजाय आपने 10 जमात के बंदों के दरमियान ऐसा मसला पूछा, क्या आपका ख्याल ये होगा इस बंदे को तरीका नहीं आएगा, फिर हम इसको 4 माह की दावत देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं वल्ला इतराफ़ करता हूँ मेरे जहन में यही बात थी। मैंने कहा आइंदा गलती कभी ना करना। किसी शख्स को देहात की कुटिया में बैठे देख कर ये जहन न बनाना कि इस बंदे के पास इल्म नहीं, वरना किसी शहर के अंदर होता, ये जहन कभी ना बनाना। ये उस वक्त की बात है, मैं 12-13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास मस्जिद मदरसा कुछ भी नहीं था, गाड़ी का मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था, बिल्कुल मैं देहातों में मैंने काम की अलहबा शुरू की थी, उस वक्त की बात है। अब बताओ ये जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ, ये तबलीग से दूर करने के लिए, तबलीग पर पक्का करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ जब जमात में जाओ तो उलमा से ना मिलो, मिलो लेकिन दावत नहीं देनी बल्कि कारगुजारी। उलमा को हदिया दो, मैं रोक रहा हूँ हदिया दो, लेकिन कौन सा दो, जिस पर खुश हो। और जब आपकी दोबारा जमात है तो मौलाना साहब इंतज़ार के अंदर हों, ये लड़का कराची से आया फिर हदिया लाएगा, ऐसा ना तो मैं एक बार ऐसी खुशबू दो कि दोबारा आपको देख कर मौलाना साहब अंदर चले जाएगी फिर ना मुझे लगा दे। तो मैं तो तुम्हें ऐसी तरतीब बताता हूँ कि जैसे उलमा के दिल में आपकी कीमत बढ़ जाए, काम मजबूत हो जाए और काम की तरक्की हो। जो बात मैं आपसे कहता हूँ वही बात हम अपने शागिर्दों से भी कहते हैं, भाई इस तरतीब पर काम करो, इससे फ़ायदा बहुत होता है।